हेलो दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है, सर मेरा एग्जाम हो गया है, कई लोगों का एग्जाम होने वाला है, तो अटेम्प्ट देख देख के बच्चे डर जा रहे हैं कि सर मैंने सेवल सिक जो केवल है वो 62 किया है, 68 किया है, और यहाँ पर जो हमें फीडबैक मिल रहा है उसमें 85 किसी ने किया है, 75 किसी ने किया है, तो कट ऑफ कितना एक्सपेक्टेड होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, अभी तो एग्ज़ाम अभी बाकी है, लेकिन मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकता हूँ जो भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं और क्वेश्चन जैसे आपके आ रहे हैं, अटेम्प्ट जैसे आ रहे हैं उसके हिसाब से। तो देखिए दोस्तों, जो आपके कट ऑफ हैं वो आपके स्टेट वाइज जो है वेरी करेंगे, लेकिन मैं जो भी आपको चीज़ें बता रहा हूँ दोस्तों, पूरा एग्ज़ाम आपका हो जाएगा उसके बाद ही आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ एकदम सही से बताया जा सकता है, लेकिन जो भी पेपर आ रहा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, बार बार रिक्वेस्ट आ रहा है उसके लिए। तो देखिए दोस्तों, जनरल के अगर आप कैंडिडेट हैं और किसी भी जोन से आपने भरा है, तो देखिए दोस्तों न्यूनतम जो आपका हो सकता है कट ऑफ वो 50 के लगभग हो सकता है, ठीक है, 100 में बता रहा हूँ, और अधिकतम जो आपका हो सकता है दोस्तों 65 के करीब हो सकता है, किसी भी जोन से आप हो। जो लोग देख रहे हैं कि 80, जो लोग अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, 85 करके आ रहे हैं, तो यहाँ से घबराइए मत, ये अटेम्प्ट है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन गलत भी होंगे उनके, तो अधिकतम जो है आपका 65 से अधिक कट ऑफ नहीं जाएगा जितना सीट है उसके हिसाब से, ठीक है। फर्स्ट जो है राउंड उसके लिए मैं बता रहा हूँ, सिर्फ जो है आपके रिटेन के लिए। जनरल आपका 50 न्यूनतम जा सकता है, अधिकतम जो है 65 जा सकता है, ओबीसी 45 जा सकता है न्यूनतम, और अधिकतम आपका 60 जा सकता है। एससी कैटेगरी के अगर आप हैं तो 40 जा सकता है न्यूनतम, और अधिकतम आपका 55 जा सकता है, और एसटी कैंडिडेट हैं आप तो 35 न्यूनतम जा सकता है, अधिकतम आपका 50 जा सकता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इस कट ऑफ के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें नीचे कमेंट करके जरूर जरूर बताएं। देखिए दोस्तों, कितना कोई अटेम्प्ट कर रहा है इससे आप घबराइए मत, एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतना ही लगभग आपका रहने वाला है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है, जो आपका रियल कट ऑफ जो आएगा बहुत ही ज़्यादा नहीं हो सकता है दोस्तों, क्योंकि जैसा क्वेश्चन का लेबल आ रहा है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये हमारा वीडियो, हमारा प्रयास आपको पसंद आया होगा, तो अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया तो क्यों पसंद नहीं आया, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके हिसाब से क्या हो सकता है हमें कमेंट करके जरूर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपने सुझाव सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर लिखें, साथ ही साथ अगर आपने देखो सीखो स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे का बटन सब्सक्राइब और बगल में एक बेल आइकन है दोस्तों, देखो सीखो स्टडी को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहे। जाते वीडियो लाइक शेयर कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।